हम अपने जीवन में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत कठिन लगती है और उसे लेकर हम हार मानकर उसे छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे खिलाफ काम करने लगता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके रीप्रोग्राम कर लें तो हम अपने फोकस और एनर्जी को बढ़ाकर कोई भी चीज़ को आसानी से हासिल कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके बताए हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम क्या करना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ऑटो पायलट में काम करता है। इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन हम क्या करते हैं, किससे क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपको क्या हासिल करना है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं जहाँ पर आपका फोकस होता है वहाँ आपकी एनर्जी होती है, और ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस एवरेज लाइफ को जीना चाहते हैं या आप अपने लाइफ में कोई बड़ी बदलाव लाना चाहते हैं। स्टेप 2, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कमिटमेंट कीजिए। आपको अपने गोल के लिए कमिटमेंट करना होगा और अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को, सारे डॉट्स को बाहर निकालना होगा। आपके अंदर जब तक रिजेक्शन और फेलियर का डर होगा तब तक आप अपने गोल को ठीक तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर आप किसी काम में सक्सेस नहीं हो पाते हो तभी आपको ये समझ में आएगा कि उस काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अपने मन से ये नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये आप नहीं कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर अपनी एक ट्रेनिंग वीडियो में कहते हैं उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। एक कंपनी को शुरू करना उसके सोच से तो परे था, और जब उन्होंने अपने पैराडाइम थॉट्स को, आइडियाज और बिलीफ सिस्टम को बदलना शुरू किया तब उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं वे हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते थे। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में नए आइडियाज आने लगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज थ्रू मल्टीपल सोर्सेस ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत खुश हूँ और इस ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा महसूस करता हूँ कि मेरे पास ढेर सारे पैसे कई तरीकों से लगातार आ रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर इन अफर्मेशंस को एक कागज में लिखकर अपने पास रखते थे, अपने पर्स में रखते थे, और कई बार एक दिन में उस अफर्मेशंस को दोहराते थे। ऐसा करने से उनके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये मैसेज पहुंचकर एक नया पैराडाइम बन चुका था। ज़्यादातर लोग केवल एक ही दिन अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। यही डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति के बीच। सक्सेसफुल लोग अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रखते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। आपको खुद से कमिटमेंट करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा, और यही सबकॉन्शियस माइंड की सही ताकत है। स्टेप 3, रिजॉल्व। आपने ये सोच लिया है कि आपको क्या करना चाहिए और आपने कमिटमेंट भी कर लिया है। अब आपको अपने गोल को पाने के लिए सही तरीके का पता लगाना होगा। अपने गोल को पाने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं ये आपको सोचना है। अपने गोल को हासिल करने में आपके सामने बहुत परेशानियां आएगी। उन परेशानियों का सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू करें। आपके अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की सही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
टनल विजन का मतलब है एक बार में केवल एक ही सॉल्यूशन पर फोकस करना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको टनल विजन की तरह ना सोचकर एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करना है, क्योंकि टनल विजन आपकी सोच को लिमिटेड कर देती है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि कोई भी प्लान एक बार में 100% सक्सेसफुल नहीं होता। फेलियर को एक्सेप्ट करें और अपने गलतियों से सीख ले। नेगेटिविटी को मोटिवेशन की तरफ लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आप अपने काम को प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। याद रखें, हमारे अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की अपार शक्ति होती है। सही तरीके से अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके आप किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपकी परेशानियां ही आपके लिए एक अवसर है जिसकी मदद से आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि टोनी रॉबिन्स की ये मोटिवेशनल बातें आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना हो सके मैं इसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।